Hello everyone, this is Ashish Jain. In this video, we will talk about electronic weigh bill. Electronic weigh bill देखिए क्या होता है. It is basically a written document. Related to movement of goods. देखिए आपको याद होगा हमने जीएसटी की इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा था व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ जीएसटी. उसमें हमने पॉइंट पढ़ा था कि जीएसटी से आने से पहले मेजर में जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी. जब कोई ट्रक जो है टोल प्लाजा या टोल टैक्सेस सॉरी टोल पे आता था तो उसको जो है घंटों जो है इंतजार करना पड़ता था. इवन कई बार तो कई दिन लग जाते थे. क्यों ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जो टैक्स अथॉरिटी थी उसको देखना पड़ता था टोटल वे वे कहते वेरिफिकेशन लेनी पड़ती थी कि जैसे ही कोई ट्रक टोल टोल पे आया उसको देखना पड़ता था कि गुड्स की क्वांटिटी क्या है, कौन से टाइप के गुड्स हैं, उसके टोटल इन्वॉइस कितने हैं, उसके गुड्स का जो टाइटल है मतलब इसका जो ओनर है वो कौन है, कंसाइनर से उसे पूरी वेरीफिकेशन लेनी पड़ती थी. फिर कहाँ पर गुड्स जा रहा है उस कंसाइनिंग को भी से भी जाकर वेरीफिकेशन लेनी पड़ती थी. तब जाके जो है ट्रक को जो है वो अलाउ कर देता कि आप जो यहाँ से जा सकते हैं. इस में जो है पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता था तो उसमें बहुत टाइम लग जाता. तो इसलिए गवर्नमेंट को जीएसटी के आने के बाद जो है इसको सिंप्लीफाई करना था ताकि इससे जो है कंसाइनर कंसाइनी और ट्रांसपोर्टर तीनों को ही जो है वो सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए. तो इलेक्ट्रॉनिक बिल क्या है? इट्स बेसिकली अ रिटन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ गुड्स. देखिए हमने जो जीएसटी में पढ़ा था कि जीएसटी क्या है बेसिकली, इट इज़ बेसिकली डिपेंड ऑन सप्लाई. दैट मींस अगर सप्लाई नहीं होगी तो जीएसटी नहीं होगा, फैक्ट है ये. तो ई वे बिल का भी यही है. ई वे बिल का जो मेन कंसर्न है वो किस लिए है कि गुड्स की मूवमेंट पे नज़र रखना. ठीक है, ऐसा क्यों होता था? क्योंकि गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ध्यान से देखिए गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कंट्रोल द प्रैक्टिस ऑफ बोगस इनवॉइस. ठीक है, यानी कि जैसे जो नकली जो इन्वॉइस बिल बना देते हैं, गुड्स कुछ हो रहा है इन्वॉइस कुछ हो रहा है, क्वांटिटी कम के बना रखा है इन्वॉइस जो बना रखा है, कंसाइनर है कोई और किसी और के नाम के बिल बना रखा है, सो दैट इज़ कॉल्ड बोगस इन्वॉइस. तो इसकी जो है प्रैक्टिस को जो है कंट्रोल करना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट को जो है ये ई वे बिल लाना पड़ा. ठीक है, लेकिन देखिए इसके बहुत ज़्यादा इसके लाने से पहले भी इसके बहुत ज़्यादा इशू बहुत ज़्यादा थे. देखिए जीएसटी देखिए कब आया, 1 जुलाई 2017 को आया, लेकिन ई वे बिल जो है वो आया 1 अप्रैल 2018 को आया. सॉरी, ई वे बिल कब आया? 1 अप्रैल 2018 को आया. तो गवर्नमेंट ने इसी डेट को जो है ई वे बिल क्यों लेके आया? देखिए आपको पता है कि ई वे बिल क्या होता है, इसलिए मैंने क्या बताया कि जब मान लीजिए अगर कोई भी गुड फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट कहीं भी गया तो उसकी जो है पूरी डिटेल जो है कंसाइनर को बतानी पड़ती है ट्रांसपोर्टर के थ्रू. ठीक है, कि कौन से गुड्स हैं वो मूव कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी, उसकी प्राइस क्या है, प्रॉपर उसका जीएसटी बिल, ठीक है, उसका रेट क्या है, सब कुछ उसको मेंशन करना पड़ता था. इवन किस ट्रांसपोर्टर के थ्रू भेज रहा है उस ट्रांसफर का नाम, व्हीकल नंबर, एवरीथिंग शुड बी मेंशन ऑन दैट पर्टिकुलर बिल. तो इसमें जो है ई वे बिल में सब कुछ मेंशन करना पड़ता था. तो इसमें इसमें क्या होता है कि देखिए सब कुछ कहाँ होगा, वो एक पोर्टल पे होगा, दैट इज़ जीएसटी एंड पोर्टल पे होगा. ठीक है, अब देखिए जीएसटी का जो मेन जो रजिस्टर करा के जब कराते हैं, जब जीएसटी के जब टैक्स पे करते हैं तो मंथली देखिए कितनी रिटर्न होती है, 3 होती है. ठीक है, और अगर हम कहे थे कंपोजिशन हो रहा है तो फिर कितनी होती है, महीने में 1 होगी. लेकिन ई वे बिल देखिए किसी किसी का तो बिजनेस इतना बड़ा होता है कि उसके जो है ट्रक ट्रकों में जो है उसका सिर्फ मेन काम ही होता है कि एक सामान इधर से इधर ले जाए लेके जाना, तो वो कितने बिल जनरेट कर पाता है, किसी के तो सैकड़ों बिल जाते थे एक दिन के दिन में, तो महीने में कितने बिल होंगे, ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है. तो इसमें जो है समटाइम्स जो पोर्टल जो वो सर्वर जो डाउन हो जाता था, तो ये गवर्नमेंट का एक बहुत ज़्यादा मेजर कंसर्न था. देखिए माना कि देखिए अब जो है एवरी ईयर देखिए हमारे
कंट्री में देखिए इंटरनेट की जो है फैसिलिटी जो है वो बढ़ रही है, बट देखिए प्रॉब्लम तो होती है, ठीक है, सर्वर डाउन हो जाता है, तो ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इशू था कि इसको, तो गवर्नमेंट जो है 1 जुलाई को उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। पहले गवर्नमेंट ने सोचा कि पहले GST लेके आ दो, उसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते कर लेते हैं, उसके बाद ईवी बिल के जो इश्यूज है उसको सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो ईवी बिल बेसिकली क्या है कि किस पे नज़र रखने के लिए, मूवमेंट गुड्स के लिए, ठीक है। दैट मीन्स अगर मूवमेंट नहीं होगी तो ईवी बिल जनरेट नहीं होगा, ठीक है। अब ये मैंडेटरी किसके लिए है, इफ द वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट एक्सीडिंग ₹50,000, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए अगर आपका बिजनेस है गुड्स के मूवमेंट करना एक प्लेस से दूसरे जगह, यार आपका खुद का बिजनेस है, अगर आप इसको सप्लाई कर रहे हो, इंटरेस्टेड कर रहे हो चाहे इंटरेस्टेड कर रहे हो, अगर उस कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 से जैसे एक्सी कर जाए तो आपको ई वे बिल बनाना ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैंने लिखा है फॉर लोअर इट इज़ एन ऑप्शनल है, दैट मीन्स आप जो कौन हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, ठीक है, और आपका जो है जब आप किसी को गुड सप्लाई कर रहे हो उस सामान की जो वैल्यू है यानी कंसाइनमेंट की जो वैल्यू है वो 50,000 से कम है, तो वो आपके लिए एक ऑप्शन है कि आप ईवे भी जनरेट करो या ना करो। बट याद रखना अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो तो आपको ईवे बिल जनरेट करना कंपलसरी हो जाएगा, वो आप चाहे किसी के भी थ्रू कराओ, चाहे वो ट्रांसपोर्टर के थ्रू कराओ चाहे वो कंसाइनिंग थ्रू कराओ, वो आपकी मर्जी, लेकिन कराना पड़ेगा, ठीक है। हाउएवर इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट इट इज़ मैंडेटरी टू जनरेट ई वे बिल फॉर द फॉलोइंग केसेस, दैट मीन्स ये जो एक्सीडिंग वैल्यू है 50,000 जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, ये जो है तो लिमिट जो है वो काम नहीं आएगी इन दो केसेस में, यानी कि इन दो केसेस में जो ई वे बिल जनरेट करना कंपलसरी है। देखिए ध्यान से देखिए क्या है, अगर प्रिंसिपल जो वर्कर को कोई भी गुड्स मूव करा रहा है, प्रिंसिपल जो है इसके प्लेस पे कोई भी गुड्स जो मूव करा रहा है, या जो वर्कर प्रिंसिपल को कोई गुड्स जो गुड मूव करा रहा है, तो उस केस में अगर ये मूवमेंट जो है ना, ये मूवमेंट अगर इंटर स्टेट हो रही है तब तो GST तब तो EVB जनरेट करना कंपलसरी है। आई रिपीट, इफ़ द गुड्स आर मूवमेंट फ्रॉम प्रिंसिपल प्लेस टू जॉब वर्कर और फ्रॉम जॉब वर्कर टू प्रिंसिपल एंड इफ दिस मूवमेंट इज इंटर स्टेट देन इट इज़ कंपल्सरी फॉर देम टू जनरेट ईवे बिल। याद रखना ये इंटर स्टेट है, अगर ये इंट्रा स्टेट होता तो फिर क्या दिखता है, तब तो हम वैल्यू देखते हैं, अगर वैल्यू 50,000 से एक्सीड हो रही है तो ईवे बिल जनरेट करना है, नहीं है तो मर्जी है कराए या ना कराए, ठीक है। सेम फॉर मूवमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स, ये भी अगर इंटर स्टेट हो रहा है तब तो कंपलसरी है ही, नहीं है तो देखेंगे वैल्यू कंसाइनमेंट की वैल्यू क्या है, ठीक है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, मूवमेंट की, सप्लाई की बात नहीं कर रहे। देखिए जो प्रिंसिपल जो वर्क कर रहे हैं सप्लाई तो नहीं हो रही, ऐसा मान लीजिए, देखिए जो वर्कर में होता है, मान लीजिए कोई प्रिंसिपल पर्सन है और ये जॉब वर्कर है, ठीक है। अब इसने इसको जो कुछ गोल्ड की मान लीजिए बिस्किट दे दिए, उसने बोला कि आप उसको जो है क्या कहते हैं मेल्ट करके या फिर कन्वर्ट करके इसको आप जो कुछ ज्वेलरी बना दीजिए बहुत सारी, ठीक है, इतने ही गए। और इसने क्या करा, मान लीजिए टाइम पर दे दिए सपोज 1 ईयर का, 1 साल में उसने गुड्स उसको वापस दे दिए, तो सप्लाई तो हो ही नहीं रही, ये क्या वो जॉब वर्कर हुआ। सेम फॉर द एग्जाम्पल ऑफ रिपेयर, रिपेयर में वो सप्लाई नहीं हो रही, वो रिपेयरिंग और है, तो यहाँ पर जो आप ये नहीं बोल सकते कि सर यहाँ पर सप्लाई तो हो ही नहीं रही। जी हाँ सप्लाई नहीं हो रही, लेकिन ईवी बिल किसके लिए है, फॉर दी मूवमेंट ऑफ गुड्स, गवर्नमेंट को उस पर नजर रखनी है कि कौन से गुड्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा आप भी बोलोगे कि अगर ऐसा ना हो, मान लीजिए कंसाइनर ने ट्रांसपोर्टर के थ्रू कंसाइनी को जो है गुड्स जो सप्लाई कर रहा है, ठीक है, अगर वो ईवी बिल जनरेट नहीं कर रहा और कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 एक्सीड कर रही है तो नहीं हो तो क्या होगा, तो इस पे जो है कंसाइनर के ऊपर जो है 100% पेनल्टी लगेगी। कौन से 100%, दी होल वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट, मान लीजिए 60,000 है तो पूरे 60,000 की उसकी पेनल्टी लगेगी। अब इसमें लॉस ट्रांसपोर्टर को भी होगा, मान लीजिए ट्रांसपोर्टर ने गुड्स मूवमेंट कर रहा है विदाउट जनरेटिंग ईवे बिल,
उसने कंसर्न से, या ना तो उसने कंसर्न से बिल की कॉपी ली, ना उसने खुद जो है ईवी बिल जनरेट किया, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ट्रांसपोर्टर का जो व्हीकल है वो सीज कर लिया जाएगा, ठीक है, कॉन्फिस्केटेड कर लिया जाएगा। तो उस केस में जो ट्रांसपोर्टर, यानी कि अगर कंसाइनर जो ईवी भी जनरेट नहीं करता, तो उसको पूरी तरह लॉस में, कोई रास्ते में उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, ट्रांसपोर्टर भी उसकी हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो कैसे काउंट होगी। देखिए, कंसोलिडेटेड बिल वैसे होता कैसे है, मान लीजिए वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स कितनी है, 30,000 है, एग्जेम्प्टेड गुड्स कितनी है, 25,000, टोटल वैल्यू 55,000, जीएसटी कितना है, 28%, 8,400 ऑन टैक्सेबल गुड्स, ठीक है, इस पर तो लगी गई। देन सेस कितना है, 15%, अगेन 15% किसका होगा, वो 30,000 का होगा, वैल्यू कितना होगी, 4,500, दैट मीन्स दी होल वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट इज 67,900। अब ईवी बिल्स में कौन सी वैल्यू काउंट होगी, 30,000, 8,400 एंड 4,500, एग्जेम्प्टेड गुड्स को काउंट नहीं करेंगे, दैट मीन्स वैल्यू कितनी होगी, 42,900, दैट मीन्स इन दिस केस ई वे बिल इट्स नॉट मैंडेटरी टू जनरेट, ठीक है। तो ये था देखिए कैसे जो उसकी वैल्यू जो कैसे उसकी करेंगे। देन इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट, देखिए मैंने जो अभी आपको एग्जाम्पल बताया कि कंसाइनमेंट की वैल्यू जो वो 50,000 से एक्सीड होनी चाहिए, बट कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर जो है अगर मूवमेंट अगर इंटरेस्टेड हो रही है, जहाँ पर गवर्नमेंट ने उनको जो है फ्रीली उनको एक तरह से बोला हुआ है कि आप जो है फ्री हो, आपकी वैल्यू जो कंसाइनमेंट की वैल्यू जो वो आप लिमिट खुद तय कर सकते हो, लेकिन इंटर स्टेट में आना, इंटर स्टेट में वैल्यू जो है वो 50,000 ही रहेगी, लेकिन इंटर स्टेट वो स्टेट वाइज वो डिबेट डिसाइड कर सकता है अपने अपने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, ईवी बिल रिक्वायर्ड फॉर दी इंटरस्ट एज वेल एज इंटर स्टेट, हाउएवर फॉर इंट्रा स्टेट द वैल्यू ऑफ ई वे बिल मे वेरी, फॉर एग्जाम्पल इन डेली इंटर स्टेट कंसाइनमेंट में थ्रेशोल्ड वैल्यू इज 1 लाख, वो 1 लाख है, इवन इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी कितनी है, 1 लाख है, ठीक है। बिहार में पहले 1 लाख थी, अब उसको एक्सीड कर दिया टू 2 लाख, ये किसकी बता रहे हैं, मैं इंटर स्टेट बता रहा हूँ, ठीक है। स्टेट जो अपने लेवल पे जो उसको डिसाइड कर सकता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि ई वे बिल जनरेट कौन कौन करेगा। देखिए बेसिकली कितने पर्सन आते हैं, 3 पर्सन होते हैं, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसपोर्टर। इसको क्या बोल सकते हैं हम, कंसाइनर, कंसाइनी, ठीक है। दैट मीन्स ई वे बिल कैन बी मेड बाय एनी एनी ऑफ द अबव पर्सन बाय यूजिंग GSTIN, पैन और आधार, SMS और ईमेल के थ्रू उनको जो है ई वे बिल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ ई बिल देखे क्या होंगे, एक तो होता है नॉर्मल, एक होता है बल्क। नॉर्मल ई वे बिल क्या होता है, जिसमें जो है एक ही टाइप का HSN कोड होता है। अच्छा, HSN कोड क्या होता है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। देखिए ये क्या होता है, इट इज़ बेसिकली यूज टू आइडेंटिफाई द गुड्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक चौक है, अब उसको उस थिंग को, नॉन लिविंग थिंग को नाम दिया चौक, ताकि उसको जो लोग जो आइडेंटिफाई करते, तो चौक जो ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको चौक ही बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही GST में क्या करा है, एक इसको कोड दे देते हैं, ताकि इसको कोड के थ्रू उसको हेल्प हो जाए कि इसका रेट क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए इसका कोड दे दिया 01, तो 01 GST के नज़र में इसकी इसका क्या होगा, 01 क्या है, चौक है, तो उसका रेट क्या, इसका GST रेट क्या, मान लो सपोज कितना है, 5% या है, तो वो कोड के थ्रू पता लगा कि इसका जो रेट क्या होगा, तो इसको बोलते हैं HSN कोड, दैट इज हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर टू आइडेंटिफाई दी गुड्स, ठीक है। अगर मान लीजिए ट्रक में सिर्फ एक ही टाइप का जो गुड रखा हुआ है, वन टाइप ऑफ HSN कोड है, उसको बोलते हैं नॉर्मल ई वे बिल, ठीक है। एक होता है बल्क, यानी कि यहाँ पर जो है मल्टीपल HSN कोड टाइप के जो गुड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टर को जो है पूरी की पूरी ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा विद द सपोर्टेड एक्सेल शीट, ओके। कैंसिलेशन, देखिए ई वे बिल की जो वैलिडिटी होती है वो 24 आवर्स की होती है, और उसको जो है 24 आवर्स के बाद उसको जो है कैंसिल भी कर सकते हैं, या फिर या तो वो टैक्स अथॉरिटी के थ्रू हो सकती है, ठीक है, या तो वो कंसाइनर के थ्रू हो सकती है,
कंसाइनी के थ्रू होती है, इवन फ्रॉम द साइड ऑफ ट्रांसपोर्टर, डिपेंड करता है कि वो इशू क्या है। ठीक है, एग्जेम्प्ट यानी कि किस किस केस में जेईई बिल जनरेट करना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, क्या क्या है वो? अगर जो गुड्स की जो मूवमेंट हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, नॉन मोटराइज्ड व्हीकल, यानी जैसे देखिए अगर घोड़ा तांबा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर रिक्शा यूज़ कर रहे हैं, बैटरी वाली नहीं दूसरी वाली नॉन बैटरी वाली रिक्शा यूज़ हो रही है, ठीक है, तो उस केस में जो है वो उसको ई वे भी जनरेट करना कंपल्सरी नहीं है। या फिर सारे के जो है वो एग्जेम्प्टेड गुड्स हैं, या सारे के सारे गुड्स नॉन टैक्सेबल गुड्स हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी केस में भी जरूरी नहीं है। एलपीजी सिलेंडर वगैरह जैसे होता है तो उसके लिए भी नहीं है। कोरल, कैरोसिन ऑयल, पोस्टल करेंसी, कस्टम कंट्रोल गुड्स। अच्छा, कस्टम कंट्रोल गुड्स में क्या होता है बेसिकली? देखिए, मान लीजिए इंडिया के 20 लाइन है, ठीक है, अब यहाँ से मान लीजिए कहीं से जो गुड्स जो वो इम्पोर्ट कराया वो आया मुंबई पोर्ट पे, लेकिन इसका जो ऑर्डर था वो दिल्ली से आई थी इसकी डिमांड, ठीक है, तो कस्टम डिपार्टमेंट क्या करेगा, मुंबई पोर्ट से आगे जगह वो दिल्ली तक लेके जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए जो ये इंटर स्टेट जो मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रही है, इस केस में जो ई वे बिल की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है ऑलरेडी कस्टम डिपार्टमेंट के साथ जा रहा है, वो उनके नज़र में उसके अंडर में वो, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर जो वो सब कुछ वेरिफिकेशन हो चुकी है कि कितने गुड्स जो वो इंडिया में आए, कितने गुड्स जो वो मुंबई से दिल्ली में जा रहे हैं, तो उस केस में जो यहाँ पर जो कस्टम लॉ की अथॉरिटी लेके जा रहे हैं तो उस केस में जो है ई वे भी जनरेट करने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट, अगर नेपाल भूटान बॉर्डर साइड अगर मान लीजिए कोई भी मूवमेंट हो रही है, सप्लाई हो रही है, तो उस केस में जो ई वे भी जनरेट नहीं होती। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट में कुछ डिपेंड हो रही है, गुड्स मूवमेंट हो रही है डिफेंस केसेस में, ठीक है, तो उस केस में भी जो है ई वे भी जनरेट करना कंपलसरी नहीं है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि वैलिडिटी इसकी जो है वो 24 आवर्स की होती है, बट इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस कि गुड्स जो हैं वो वन वन प्लेस टू अनदर जा रहे हैं, फ्रॉम ओरिजिन प्लेस टू डिस्टेंस, फ्रॉम डेस्टिनेशन प्लेस, उसके जो है वो डिस्टेंस कितना है उस पर डिपेंड करता है कि उसकी वैलिडिटी क्या होगी। देखिए, मैंने जो कार्गो जो दो टाइप के होते हैं, नॉर्मल कार्गो एंड ओवर डायमेंशनल कार्गो। नॉर्मल कार्गो इन द सेंस, मान लीजिए कोई ट्रक है, ठीक है, अब वो जो है ये मान लीजिए दिल्ली से जा रहा है गुरुग्राम, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि देखिए इसमें जो डिस्टेंस है वो वैलिडिटी है कि किस टाइप में वाली हुई है। अगर डिस्टेंस अप टू 100 किलोमीटर है तो एक दिन की वैलिडिटी मिलेगी, यानी कि उस ई वे बिल की वैलिडिटी कितनी मिलेगी, एक दिन की होगी। देन आफ्टर दैट एवरी डे एवरी 100 किलोमीटर, सॉरी एवरी 100 किलोमीटर, ये एवरी डे नहीं आएगा, एवरी 100 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ वन डे विल बी एक्सटेंडेड। ठीक है, मान लीजिए अगर होगा सपोज 259 हुआ, ठीक है, तो कितने दिन मिलेंगे, 200 डेज तो हो गए, 2 दिन और पार्ट देयर ऑफ प्लस वन दैट इज 3, दैट मीन्स टोटल जो है 3 डेज की वैलिडिटी होगी उस ई वे बिल की। ठीक है, ये पर 100 किलोमीटर के हिसाब से है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम ओवर डायमेंशनल कार्गो। देखिए, नॉर्मल कार्गो और ओवर डायमेंशन कार्गो क्या मतलब करना पर, ओवर डायमेंशन मीन्स जैसे ये ट्रक है, समटाइम्स क्या होता है कुछ ट्रक या फिर कुछ व्हीकल ऐसे होते हैं जो कि अपने साइज से बड़े बड़े जो है वो अपने गुड्स जो वो कैरी करते हैं। जैसे ट्रक आपने देखा हाईवे पर कोई जाता है तो कभी सामान इतना बड़ा होता है, जैसे ट्रक में जैसे भूसा भरा होता है वो इतना बड़ा होता है कि वो पूरा अपना उस जितना उसका एरिया तो उससे बड़े वो जो है वो सामान ले जाते हैं। जैसे समटाइम्स जो वो सरिया जैसे पिलर्स इतने बड़े बड़े होते हैं, जैसे पीएमटी के जो पिलर्स इतने बड़े बड़े सरिये होते हैं वो इतने बाहर निकल रहे होते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम ओवर डायमेंशनल कार्गो। तो क्या होता है, वो काफ़ी हैवी होते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, तो उससे क्या होता है उस व्हीकल की जो स्पीड कम हो जाती है, और जब स्पीड कम होती है तो क्या होता है उसकी वैलिडिटी बढ़ानी पड़ती है। तो उसमें देखिए क्या बोला है कि डिस्टेंस कम कर दें यहाँ पर, दैट मीन्स अप टू 20 किलोमीटर कितना मिलेगा 1 डे,
देन आफ्टर दैट एवरी 20 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ वन डे विल बी एक्सटेंडेड. ठीक है, सो दिस इज दी ऑल अबाउट दी वैलिडिटी, किस केस में ईवी बिल जो है ईवी बिल की वैलिडिटी क्या होगी. अच्छा, ये जो ईवी बिल वैलिडिटी है, ठीक है, इसको कुछ सर्टेन केसेस में इसको एक्सेप्शन भी दी जाती है. जैसे मान लीजिए कोई ट्रक है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस गया, बट इन बिटवीन जो है वो ट्रक खराब हो गया. तो ट्रक खराब हो गया तो क्या होगा, जैसे देखिए लोड अनलोड केस में बहुत टाइम लग जाता है, तो उस केस में जो है ट्रांसपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो तभी तभी जो है वो पोर्टल में जाके जो है सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे कि मैं ये जो ट्रक मेरा ख़राब हो गया, मैं अब दूसरे ट्रक में इसको लोड कर रहा हूँ. उस ट्रक की भी उसको जो पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ठीक है, उसका ट्रक नंबर, ट्रक ड्राइवर, सब कुछ उसको मेंशन करना पड़ेगा, एवरीथिंग. तो इस केस में देखिए काफ़ी टाइम लग जाता है, उस केस में जो है उसको वो डेट ईवी बिल की जो है उसको वैलिडिटी बढ़ानी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ पोर्टल. ठीक है, तो उस केस में जो है उसको जो है एक्सेप्शन मिल सकती है, बट ऐसा नहीं कि सबको मिलती है. यहाँ पर जो GSTN देखो पोर्टल ऐसा इस तरीके से बनाया है कि मान लीजिए अगर ट्रांसपोर्टर जैसे ही कोई भी डेट एक्सटेंड करने के लिए अप्लाई करेगा, तो उससे जो प्रॉपर रीज़न मांगेंगे, ठीक है, अगर वो रीज़न वैलिड होगा तभी उसकी डेट एक्सटेंड होगी, अदरवाइज नहीं होगी. अब देखिए एग्जांपल है, मान लीजिए कंसोलिडेटेड ईवी बिल्स हैं, मतलब क्या है, जैसे ये सेंडर हैं, काफ़ी सारे कंसाइनर है, ये दिल्ली में हैं, सारे सारे चार कंसाइनर हैं दिल्ली में हैं, उन्होंने सिर्फ एक एक कोई एक ट्रांसपोर्टर है, उस ट्रांसपोर्टर के थ्रू उसने जो है उन्होंने जो है वो अलग अलग जगह जगह वो लेके जा रहा है. जैसे देखिए चार बिल है, ई वे बिल 1, 2, 3, 4, और देखिए उस गुड्स की सप्लाई कहाँ पे करनी है, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, जम्मू में करनी है. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ई वे बिल कौन जनरेट करेगा. ठीक है, इस केस में देखिए यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टर ही, क्योंकि देखिए चार लोग अलग अलग हैं, कंसाइनर जो अलग अलग हैं और कंसाइनी भी अलग अलग हैं, बट यहाँ पर मेन कॉमन कौन है, ट्रांसपोर्टर. तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ई वी बिल वही जनरेट करेगा, क्योंकि उसी को पता है कि उसके ट्रक में जो किस टाइप के गुड्स हैं, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में है, उसी कितनी वैल्यू है, किस कंसाइनर के थ्रू लेके जा रहा है, कौन से कंसाइनर के पास लेके जा रहा है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मेनली जो कॉमन इन्फॉर्मेशन है वो किसके पास है, ट्रांसपोर्टर के पास है. तो यहाँ पर इस केस में जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू गेट सॉरी टू जनरेट ई वे बिल. ओके, अब देखिए यहाँ पर जो है GSTN नेटवर्क में यहाँ पर आपका ई वे बिल जो है इजीली आप उसको एक्सेस कर सकते हो, जैसे बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हो लाइक इन नेट बैंकिंग, लिस्ट ऑफ कस्टमर, लिस्ट ऑफ सप्लायर, आइटम या HSN कोड. ठीक है, ई वे बिल देखिए आपको जनरेट कब करना है, बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स. ऐसे नहीं आपने मूवमेंट कर दिया उसके बाद आप ई वे बिल जनरेट करो, नहीं, मूवमेंट करने से पहले ही आपको जो ई वे बिल जनरेट करना है. प्रोसेस क्या है इसका, देखिए बेसिकली इसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड बी. पार्ट ए एंड बी में क्या होता है कि यहाँ पर ए में क्या होता है, पार्ट ए में काफ़ी जो है उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है रिलेटेड टू गुड्स, लाइक उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसका रेट क्या है, ठीक है, या फिर उसका HSN कोड क्या है, ठीक है, देन GSTIN नंबर क्या होता है, ठीक है, ऐसा ही पूरी उसकी जो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है. एंड पार्ट बी में क्या होता है, ये ट्रांसपोर्टर का होता है, यानी कि ट्रांसपोर्टर का व्हीकल नंबर क्या है, ठीक है, उसका कलर क्या है, ट्रांसपोर्टर का नाम क्या है, व्हीकल कौन सा है, सब कुछ बताना पड़ता है. ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है अगर ई वे भी जनरेट करना है तो दोनों फॉर्म साथ में होने चाहिए, ऐसा नहीं सिर्फ ए ए कर दी लेकिन बी नहीं करा, ठीक है, और बी के बिना तो ए बन ही नहीं सकता. तो यहाँ पर क्या है, मेनली बी जो है कंपल्सरी है, ठीक है, ये पूरा जो है वैलिड होना चाहिए, ठीक है, वैलिड होगा तो एक गुड जो मूवमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगी. ठीक है, अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ बिल टू शिप मूवमेंट लिखी है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए प्रिंसिपल पर्सन है, एजेंट प्रिंसिपल एजेंट पर्सन है, ठीक है, और
प्रिंसिपल ने ए को बोला कि आप जो मेरे बिहाफ पे किसी थर्ड पर्सन को जो है गुड्स सप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि मान लीजिए ये कहाँ पर है, मुंबई में है, ठीक है, और ये कहाँ पर है, गुजरात में, और मान लीजिए प्रिंसिपल पर्सन जम्मू में बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ई वे बिल वो कितने होंगे, कि पहले देखिए या तो हो सकता है प्रिंसिपल टू ए हो सकता है, एजेंट या एजेंट टू ये भी हो सकता है, फिर प्रिंसिपल टू ये हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ एक ही बिल जनरेट होगा, दैट इज फ्रॉम एजेंट टू कस्टमर, ठीक है, या जो थर्ड पर्सन है वो ई वे बिल जनरेट वो यहाँ पर होगा। इतने बिल जनरेट करने की नीड नहीं थी, सिर्फ सिर्फ एजेंट करेगा, ठीक है। सो दिस इज द होल कंसेप्ट अबाउट इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। थैंक यू। प्लीज़ कीप लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।